इधर आज तो क्या सपने में आप ही आएंगी आज? क्या मैं सपने में आई थी? जाहिर सी बात, आई नहीं बोल रहा हूँ। आएंगी क्यों? चलिए, मेरा सवाल ये था कि आप लगभग डेढ़ से दो घंटे इंतजार करी हमको। मन भाई, आप हमेशा बातों को बनाने में माहिर हैं। कभी मेरे सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया है। फसला मेरी फितरत नहीं है। देखिए, आप छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के महंगे सितारे हैं। अब क्योंकि ये फिल्म जो है दूर लैंग्वेज में बन रही है, तो मुझे लगता है आपका मेहनत तिगुना हो गया पैसे। मेरे को लगता है कि जो मौका होता है वो मौके की कोई कीमत नहीं होती। तो हाँ, बहुत लकी हूँ कि एक अलग से जोनर, एक अलग सी लैंग्वेज, एक अलग टेरिटरी में काम करने का मौका मिल रहा है विथ अपनी लैंग्वेज को लेकर। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो हाँ, डेफिनेटली फीस जो मिली है वो तो मिली है, हाँ, पर इसकी कोई कीमत नहीं है। ये एक मौका है, बहुत खूबसूरत पल है और इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये मेरे लिए अनमोल है। तो फीस मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा। बहुत ही शानदार, इतना अच्छा जवाब आपका, बिल्कुल आसानी से रुक गया है ना। मैं पूरी यूनिट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और डायरेक्टर साहब है जी, जी डायरेक्टर साहब, जो शूटिंग है उसकी शूटिंग है, ये टोटल छत्तीसगढ़ में होनी है कि कुछ पार्ट आप उधर भी लेके जाने वाले? सर, टोटल शूट यूपी में करते हैं। टोटल? तो यहाँ मोहन का हम समझेंगे, मतलब हमको लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। धीरे धीरे समझ आएगा। अच्छा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना ऐसे ऐसे इसी को बनाते हैं। यहाँ फिल्म पॉलिसी का फायदा क्या कह रहे हैं हम लोग, जब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर यहाँ करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है ना। यहाँ पे चीज़ों को, यहाँ पे पर्यटन को आप दिखाते बाहर, तो आपको इसका फायदा भी मिलता। तो आप लोग सोचा ठीक है सर, इससे क्या है ना, हम लोग सोचेंगे ऐसे युक्ति हम लोग सोचे हैं, साथ में हमारे प्रोड्यूसर महोदय है, इस पर विचार करेंगे। कम से कम एक गाना तो यहाँ हो, कुछ ना हो कहीं नीचे ना, तो कम से कम यहाँ हो। ठीक है, है ना। थोड़ा सा लाउडली सर, सोचे कि यूपी में भी करेंगे। अभी फाइनल भी ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ यूपी में ही करेंगे। अभी सोचेंगे, हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे और कुछ पार्ट पे हम करेंगे। मेरा काजल जी से सवाल है, काजल जी, इससे पहले आपने कितनी फिल्मों में काम किया है? मैंने 70 प्लस फिल्में करी है, कुछ 30 प्लस गुजराती करी है, बिकॉज मैं गुजराती हूँ और बाई कास्ट एंड भोजपुरी से, मतलब मैंने 60 के आसपास तो मैंने भोजपुरी कर चुकी हूँ। तो भोजपुरी लैंग्वेज आप जानती हैं? हाँ जी, जानती हूँ, बस बातें नहीं करती हूँ, कभी कभी कुछ कुछ बातें कर लेती हूँ। कोई एक डायलॉग सुनाना चाहेंगे भोजपुरी? डायलॉग्स मुझे याद नहीं रहते हैं, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। डायलॉग्स लाइक मूवीज़ में हो जाते हैं, शूट पे मैं बोल लेती हूँ एंड डबिंग हो जाती है, बट पर्सनली मैंने कभी बोला नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहते इतना भोजपुरी, वो याद नहीं रहता सर। ओ, ये जो भोजपुरी की फिल्म बन रही, इससे आगे कोई ड्रीम है क्या बॉलीवुड तक नहीं आपका? अभी फिलहाल मुझे यहाँ से बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत सारी फिल्में भी लाइन बाय लाइन साइन है मेरी, और यहाँ पे मैं इतना बिजी चल रही हूँ कि मैंने वहाँ सोचा नहीं है अगर, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर करूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी ये फिल्म जबरदस्त हिट हो और बहुत सारे दर्शकों को ये लुभाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। असली और बल्कि गाने आते हैं वो, हम लोग एक्चुअली सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और अपने प्लेटफॉर्म से भोजपुरी में फैल रहे अश्लीलता का सख्त विरोध करते हैं। बहुत सारे हमारे बिहार से चल के पत्रकार भाई लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों का बहुत सारा सवाल था कहीं ना कहीं, भैया अगर आप इस फिल्म में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि इसमें अश्लीलता नहीं होगा? तो मैं साफ आज मित्रों को, भाइयों को बता दूँ कि अगर हम विरोध कर रहे हैं तो फिल्म में भी विरोध करेंगे। हम एक ऐसे फिल्म लेकर आएंगे जो बिहार की, यूपी की, झारखंड की और छत्तीसगढ़ की स्पेशली,
सारी माँ बहनें आकर बैठ कर देख सके। और सबसे पहले मैं तमाम जितने भी हमारे अतिथि गण लोग आए हैं, बड़े भैया लोग आए हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और सबको मेरा प्रणाम रहेगा। और बहुत अच्छा लगा इस मुहूर्त में आकर, आप लोगों ने हमारा मान और सम्मान बढ़ाया और पहली दफ़ा एक बड़े स्क्रीन पे दोनों भाइयों को आने का मौका मिला है। एक भोजपुरी की लीड एक्ट्रेस काजल रगवानी जो आपको हमारे दाहिने तरफ बैठी दिख रही है, ये भोजपुरी में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जितने भी स्टार कास्ट हैं, चाहे वो निरहुआ को आप जानते हो, खेसारी लाल यादव जी को जानते हो, पवन सिंह जी को जानते हो, बहुत सारे स्टार कलाकार हैं, रितेश पांडे हैं, कल्लू हैं, सारे स्टार कास्ट के साथ इनका फिल्म आ चुका है। और आज पहली दफ़ा हम लोग उससे नया करने का प्रयास कर रहे हैं और एक प्रयत्न रहता है, संपर्क बनाने से बनता है। मन कुरेशी जी जो यहाँ के आज के दौर के एक सुपर स्टार हैं और हम लोगों ने इन्हें ऑफर किया, बताया कि आपकी छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक छोटी सी भाषा को समझने वाला जगह है। 3 करोड़ 4 करोड़ बताते हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ी जनता है भाषा को बोलने वाले और समझने वाले, और इनको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक नया संबंध बन रहा है, तो इनके लिए भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 40 करोड़ हमारे भोजपुरी में जनता है काजल जी, आपको पता होगा, तो इनके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बहुत प्यार मिलेगा हमारे बिहार यूपी और झारखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सारे भाई भी हमारे साथ है तो दो सब लोगों को बोल। सबको मेरा प्रणाम है और दोनों भाई की तरफ से प्रणाम है, और काजल मैम को और मान कुरेशी जी को एक प्रणाम है। पर्सनली तो मैं मिला कुरेशी जी से, और जब यहाँ आया था मैं और गौतम भी गया, तो उनका कहना यही था कि भोजपुरी में वल्गैरिटी बहुत आती है, तो फिर ना हम फिल्में नहीं करेंगे, आपका भोजपुरी बहुत वल्गर है। तो मैंने उनको बताया, दिखाया, अपना चैनल दिखाया, देखिए जो हमारा काम है श्री मुख का ही काम है, और फिर कुरेशी जी समझे और फिर फिल्म के लिए साइन किया। क्या लगता है समर जी, आप लोगों के आने के बाद भोजपुरी एकदम साफ सुथरा हो जाएगा? ये दिल्ली थी आप। अभी तो फिलहाल 75% साफ सुथरा हो चुका है, बाकी एक साल में इतना चेंजिंग है तो बाकी लगे रहेंगे तो हो सकता है 100% हो। क्या योगदान देंगे, क्या साफ सुथरा कभी छवि में देखने को मिलेगा हमारा भोजपुरी का? जैसे मैं कहूँ आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था भोजपुरी में, मतलब मुझे पहले फिल्म जब ऑफर हुई थी तब मैं गुजराती फिल्में करती थी और वहाँ पे मेरे कई रिलेटिव्स हैं, मतलब तो सबको मैंने पूछा था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे बताया कि नहीं भोजपुरी मतलब फिल्म वल्गर बनती है, वहाँ पे आइटम सॉन्ग्स एंड ऑल बहुत कुछ चलता है और है। पहले प्रॉब्लम था ये, बट अभी आई गेस 3-4 साल से हम लोगों ने, हमारे सर हैं ये डायरेक्टर सर हैं हमारे, इनके साथ मैंने मूवी करी है, मैंने उनको सजेशन चुन लिया, आप देखिए बिल्कुल भी वल्गर मूवी नहीं है, और कई फिल्में मैंने करी हैं जिसमें बिल्कुल भी वल्गरिटी नहीं है, और हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है और कर भी रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को हम साफ सुथरा करें, और जो लोगों के दिमाग में जो बातें फैली हुई है वल्गरिटी को लेके, तो वो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फिल्मों के दौरान हम उस चीज़ को कम करें।